फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं एमपी डीएचईटी 2020 आंसर की के बारे में। जी हाँ गाइस, एमपी डीएचईटी जेहेट का जो आंसर की वो रिलीज हो चुका है। तो किस तरह से आंसर की डाउनलोड करना है, उसके ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, हर एक चीज डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर एमपी डीएचईटी 2020 का कोई भी नया अपडेट आता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एमपी डीएचईटी 2020 आंसर की डाउनलोड करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिखाई दे रही, सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोग डायरेक्टली इस तरह के न्यू इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल ना करने को लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आप हिंदी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं वेबसाइट या फिर इंग्लिश, तो आपको सिंपली जो लैंग्वेज हो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होगा। और लैंग्वेज सेलेक्ट करते आपके सामने इस तरह का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डीएचईटी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, पीवीएफटी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। तो आपको सिंपली यहाँ पे डीएचईटी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे क्लिक करना होगा, आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। वहां से गाइस आसानी से अपनी डिटेल्स फिल करके आप जो अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आसानी से अपना जो है क्वेश्चन पेपर आंसर की जो चेक करके डाउनलोड कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई भी परेशानी कोई भी इश्यू फेस होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।